हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पैरे तले रौंदते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा ये दबाने का काम, कुचलने का काम, और बस्तर जाओ तो बस्तर के लोगों को नक्सली समझ के गोली से भूनने का। मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए। हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पैरे तले रौंदते रहे हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदलना है। चोर चोरी जाए हेरा फेरी से ना जाए, जो कहावत है ना वो ऐसी है। तो इनके जो मानसिकता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब छत्तीसगढ़ मातारी भी याद आ रहे हैं, उसको कौशल्या माता भी याद आ रहे हैं, सब लोग याद आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा ये दबाने का काम, कुचलने का काम, और बस्तर जाओ तो बस्तर के लोगों को नक्सली समझ के गोली से भूनने का, जेल में ठूसने का काम, यही ये लोग करते रहे। परिवर्तन यात्रा में लेकिन बस्तर नहीं आ पाए भाजपा के कोई भी बड़े नेता, लगातार आ रहे आज भी प्रमोद सावंत हैं लेकिन बस्तर में आ नहीं पाए। नहीं, बस्तर क्या, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए तो वैसे नाराज थे, सभा में भीड़ नहीं थी, आरोप पत्र जो जारी किए तो उसमें उपस्थित नहीं थे कार्यकर्ता, दुर्ग में स्थिति उनकी यही थी, और वहाँ भी वो वहीं वर्चुअल कर सकते थे, सभा संबोधित कर सकते थे, लेकिन वो आना पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मौसम है ना, नेताओं के बीच का मौसम ठीक नहीं है, और मौसम का बहाना बनाया थे, मौसम इनका ठीक नहीं है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि पहले ही सहयोग मिला था वर्तमान में, हमारे महाराज साहब हैं, और जब तो वो खुद पत्र लिखते हैं सेंट्रल को कि मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए। जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। गोबर गौठान के बारे में बात उन्होंने की, 265 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, अब 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो इनका अब विभिन्न मंचों में खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं, नीति आयोग में तारीफ कर चुके हैं, उस बैठक में तारीफ की, हम लोग सब सारे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये आरोप लगाने के अलावा क्या है। अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं कितने यात्री उसमें चढ़ेंगे भाई, ये सब वो अडानी के लिए सब करने आए हैं, उसकी खदान के लिए प्लान भी खरीदेंगे, खदान भी खरीदेंगे, वो ACCL का खदान दिया ना अभी उसी रायगढ़ जिले में गारेपेलवा में, वही तो दिए हैं। ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हैं और झूठ बोल के जाएं, ये तो आश्चर्य की बात है।